जेई मेन 2020 का 7 जनवरी का ये पेपर जो था उसका एक क्वेश्चन है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, जीओसी पर। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी, कंपाउंड्स क्या है, ये ए है, ठीक है ना, NH2CH डबल बॉन्ड NH, ये बी है जिसमें तीन नाइट्रोजन्स हैं और ये सी है। पी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी होगी जो इनमें से लीस्ट बेसिक होगा, और जो इसमें से स्ट्रांगेस्ट बेस होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होएगी। चेक करते हैं भाई, NH2CH डबल बॉन्ड NH, इसका अपना जो लोन पेयर है वो तो लोकलाइज्ड है, ठीक है ना, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और यहाँ से इसको प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही, ठीक है ना, एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग प्लस एम ऑफ अदर नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो ये एमीडीनिक टाइप का है, एमीडीन वाला अरेंजमेंट है इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये ए है, कंपाउंड ए। बी कैसा है, बी बी ऐसे है, ऐसे देखो, अब बी में ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका लोन पेयर, खुद का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड, यानी ये एक जगह प्रेजेंट रहता है, और इसको इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, प्लस एम ऑफ बोथ अदर नाइट्रोजन्स, देख रहे हो क्या, ये गुआनिडीनिक स्ट्रक्चर है, गुआनिडीनिक स्ट्रक्चर। नाइट्रोजिनस बेसिस में, ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बेस होते हैं गुआनिडीनिक वाले, जिसमें एक नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर तो लोकलाइज्ड है और दो और नाइट्रोजनस उसे प्लस एम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ठीक है ना, तो ये इन दोनों में ये स्ट्रांग होगा, उसके बाद ये होगा। एक सी और देख लेते हैं, सी सिंपल एलिफैटिक सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना, ये है एलिफैटिक सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, इन तीनों में सबसे कम बेसिक यही होगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ पीकेबी देखें, पीकेबी तो सबसे कम पीकेबी होगा बी का, क्यों, क्योंकि सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद होगा ए का, और सबसे ज़्यादा पी के बी वैल्यू होगी सी की, क्योंकि सी जो है इन तीनों में वीकेस्ट बेस है। एक बार फिर से बताता हूँ, बी में गुआनिडीनिक अरेंजमेंट है जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो पी के बी सबसे कम है, इसमें एमीडीनिक अरेंजमेंट है जिससे इसकी पी के बी कम है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन इससे कम नहीं है, और ये सिंपल एलिफैटिक सेकेंडरी अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन, और इसकी जो पी के बी वैल्यू है इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इन तीनों में से सबसे वीक बेस है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकला, आंसर निकला थ्री, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थ्री होगा, ठीक है, नोट करें।